किन मेरा ठाकुर उनको कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। उनके एक एक क्षण का हिसाब वहां लिखा जा रहा है, ध्यान रखना। इसलिए छपाने में नहीं, छुपाने में जो परिणाम है, जो फल है, उसका कोई अंत नहीं है। सभी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद देते हुए, और साथ में हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी जो बड़े ही लग्न के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सहयोग कर रहे हैं, उनको भी इस पीठ से कोटि कोटि साधुवाद। कथा प्रांगण में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवत भक्तों, धर्म के भावी संभव परम प्रिय बच्चों, आइए, जिसके लिए हम सब इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, और उस ठाकुर ने ये हमें परम सौभाग्य दिया है जिस कार्य के लिए, आइए हम बड़े ही भाव के साथ उस ठाकुर से जुड़ते हैं, अपने मन की डोर उस परमात्मा से बड़े भाव के साथ लगाते हैं। यदि एक बार भी हमने अपने मन को उस ठाकुर से जोड़ लिया, यदि उसकी एक रस की बूंद भी यदि हमें मिल गई, तो संसार के जितने रस हैं इनमें कोई फिर आनंद नहीं लगेगा, ये सब फीके लगने लगेगा। आइए बड़े भाव के साथ। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, सब लोग बोलो, भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंद हरि गो, गलबन माला सर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, काना बागो राधे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भ
सजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। परम भगवत भक्तों, भगवान की अहेतुकी कृपा से, अहेतुकी कृपा केवल परमात्मा ही करता है और कर सकता है। अहेतुकी कृपा का मतलब है जिसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा एक ठाकुर ही एक ऐसा है जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, वरना ये संसार अगर 10 कदम भी आपके साथ कभी चलेगा ना, या चला है, तो आपसे 20 कदम साथ चलवाने की अपेक्षा के साथ ही आपके साथ खड़ा। यदि 10 कदम चला है तो सावधान हो जाएं कि 20 कदम उसके साथ आप कभी न चले तो सारे समाज में आपको बदनाम करते घूमेगा। हां, अहेतुक कृपा करने वाला, आपको बिना स्वार्थ कृपा करने वाला केवल मेरा ठाकुर है, केवल परमात्मा है। सबसे पहली कृपा तो उसने तब की जब हम नाना जगह सूकर और स्वान बने घूम रहे थे, तो पहली करुणा हो गई उसकी, हम पर बहुत बड़ी करुणा हुई। हमारा ही तो है, हमसे अलग हो गया है, घूम रहा है कर्मों के बंधन में भटकता हुआ, कभी स्वान बन रहा है कभी सूकर बन रहा है। चलो इसे एक अवसर दे दो। आज ओवेशन एजुकेशन तरफ की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाए और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोचेस ऑन दिस गिवन नंबर। तो एक अवसर दिया उसने, हमें क्या बना दिया, मनुष्य बना दिया। यही तो अवसर है ना, हमें मनुष्य के रूप में एक अवसर दिया इस संसार से मुक्त होने के लिए। हमें अवसर मिला, हमने मनुष्य शरीर पाया, लेकिन जो हमें करना चाहिए था, जिसके लिए उसने हमें भेजा था अथवा जिसके लिए उसने हमें एक अवसर दिया था, आप सच बताएं कि आप वही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। जब हम गर्भ में थे, उस नरक में थे, तो हमने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक बार हमें इस नरक से निकाल। हम आपसे वचन देते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम जिससे पुनः इस नरक में मुझे आना पड़े। हम ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा करेंगे कि सदैव सदैव के लिए इस नरक से आने में मुक्ति मिल जाए हमें, ये करेंगे। एक बार हमें क्षमा कर दो, एक बार हमें समय दे दो, एक बार हम पर कृपा कर दो। भगवान ने कृपा कर दी, उस नरक से हमें निकाल दिया। हम नरक से निकल आए और निकलने के बाद सच बताना, क्या उस वचन को हम पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। हम जिसलिए आए और जो हैं और क्या करना है, ये तीनों बातें हम बिल्कुल जड़ से भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। और हम उसकी तरह हो चुके हैं जैसे हम कभी जाते हैं ना स्टेशन पर और मुझे मार्केट जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन पर जैसे पहुंचे, स्टेशन से बाहर निकले, ये रिक्शा आता है, हाँ बाबूजी कहाँ जाना है, हाँ आपको कहाँ जाना है, ये रिक्शा तुरंत आता है, खड़ा कर देता है, हाँ आपको कहाँ जाना है। क्या वो रिक्शा है? वो रिक्शा नहीं है,
वो रिक्शा वाला है, लेकिन रिक्शा के साथ रहते रहते स्वयं को रिक्शा समझ बैठा है। ऐसे ही हम जो नहीं हैं वो अपने को समझ बैठे, इतना इससे संलिप्त हो गए। हम वो है नहीं, लेकिन हम वो बन बैठे हैं शरीर के साथ। हम शरीर नहीं है, हम शरीर से सर्वथा अलग है। कैसे अलग है? ये उंगली किसकी है? ये उंगली हमारी है, ये तो कहते हैं ये उंगली हमारी है। ये हाथ किसका है? ये हाथ हमारा है। हाथ हमारा, उंगली हमारी, सर हमारा, पेट हमारा, पैर हमारा, तो इसका मतलब ये सब हमारा है, लेकिन ये हम नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल हमारी, लेकिन हम मोटरसाइकिल नहीं है। सीधा सा समझ में आ गया? ये सर हमारा, पीठ हमारी, नाक हमारी, कान हमारी, आंख हमारी, ये सब हमारा है, लेकिन ये हम नहीं है। ये सीधा सा साफ बात है, लेकिन हम भूल बैठे हैं, हम इस फंस गए हैं ऐसे। और हम आए थे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और लक्ष्य हमारा क्या है? शास्त्र में लिखा है जीव का लक्ष्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो इश्चिह कर्म भी। जीव का केवल एक लक्ष्य है परमात्म प्राप्ति, दूसरा इसका लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए तो आया, केवल हमारा लक्ष्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा का भजन करना, परमात्मा का स्मरण करना। लेकिन हम वो सब भूल गए हैं और हम यहां समय काटने लगे। एक गुरु जी गए एक व्यक्ति के यहां, तो उसके तीन बच्चे बाहर से पढ़ के आए, घर पे आए थे उसी दिन। तो पहला बच्चा गुरु जी के पास पहुंचा, तो गुरु जी ने कहा बेटा तुमने क्या पास किया है? बोले गुरु जी हमने MBA पास किया है। अच्छा बेटा MBA पास किया? बोला हाँ। दूसरे बच्चे को बुलाया, दूसरे से पूछा बेटा तुमने क्या पास किया है? बोले गुरु जी हमने MCA पास किया है। अच्छा बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। तीसरे को बुलाया बेटा तुमने क्या पास किया है? उसने कहा गुरु जी हमने समय पास किया है, हमने समय पास किया। हम क्या कर रहे हैं यहां? हम केवल समय पास कर रहे हैं। जो हमें अवसर मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है, ऐसा शरीर पाकर के भी, ऐसा अवसर प्राप्त करके ही उस अवसर को हम खो रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है प्यारे, लेकिन इसका ज्ञान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? इसका ज्ञान हमें गुरु के पास से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, कथा श्रवण से मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि उस सब के लिए हमारे पास समय है। हमारे पास पत्नी के लिए समय है, पुत्र के लिए समय, पुत्री के लिए समय, संबंधियों के लिए समय है, और सारे कार्यों के लिए समय है, बुराई सुनने के लिए समय, बुराई करने के लिए समय है, सब कुछ करने के लिए समय है। और विडंबना यह है कि हमारे पास यदि समय नहीं है तो परमात्मा के लिए, यदि धन नहीं है तो परमात्मा के लिए। जिसने सब कुछ दिया है, जिसने ही सब कुछ दिया है, उसी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इससे बड़ी विडंबना दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए हम सब कुछ पाकर के भी, सब कुछ पाकर के भी दुखी हैं, सब कुछ होकर के भी अतृप्त हैं, सारे संसाधनों के होने के बाद भी हम अभावग्रस्त हैं, अधूरे हैं, अतृप्त हैं, भूखे हैं, अशांत हैं, क्लांत हैं, क्लेश में हैं, दुखी हैं, निराश हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हम जहां नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, और अहंकार। अरे हमने ऐसा कर दिया, हम थे जो हमने ऐसा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, मकान बना लिया तो किसने? बोले हमने। हमें पूछो हमने कैसे मकान बनाया, ये कितनी बंगला खड़ा किया, हमें पूछो हमने कैसे किया। मकान हमने बना लिया, फैक्ट्रियां हमने खोल ली, सब हमने कर लिया, कार हमने ले ली, अरे हमने पूछो ये हम जैसे लिए।
और एक्सीडेंट कर दिया तो किसने कर दिया? भगवान। जितने अच्छे काम वो सब हम, और जितने खराब काम वो सब परमात्मा के सर पे मर दिए थे। ये विडंबना, ये अहंकार। और जब तक अहंकार प्यारे नहीं मिटेगा, तब तक हम परमात्मा के नहीं बन सकते, उसकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, शांत नहीं हो सकते, सुखमय नहीं हो सकते। मिटना जरूरी है और हम मिटना नहीं चाहते। बूंद ने अपने को मिटाया, बूंद सागर के पास पहुंची देखने के लिए, देखें सागर कितना गहरा है, कैसा है। और जैसी सागर के पास पहुंची और नजदीक और नजदीक, जितने नजदीक पहुंची, जैसी उससे मिली तो सागर बन गई। बूंद मिटी अवश्य, लेकिन बूंद मिटी नहीं, बूंद ने अपने को सागर कर लिया। मिटकर के ही बड़ा बना जा सकता है, मिटकर के ही मूल्यवान बना जा सकता है। प्यारे, जिसने मिटना नहीं सीखा, उसने कुछ नहीं सीखा, उसे कुछ नहीं आया, क्योंकि अहंकार तो भगवान का भोजन है। हम सब कुछ करना सीख लेते हैं, लेकिन झुकना नहीं पसंद करते। जीने के पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से कहा, प्यारे एक बात बताओ, एक ही पर्वत से हम भी निकले, एक ही पर्वत से आप भी निकले, एक ही जगह से हम आए, एक ही जगह से आप आए, लेकिन क्या कारण है कि हम पर सब लोग पैर रखकर चढ़ते, हम पर सब लोग पैर रखकर चढ़ते हैं प्यारे, लेकिन आपके पैरों पर सभी सर रखते हैं, ये अंतर क्यों, ये अंतर क्यों? तो मूर्ति के पत्थर ने कहा, प्यारे हम आए अवश्य एक जगह से, लेकिन हमारे संस्कारों और आपके संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर था। क्या अंतर था महाराज? बोले आप अहंकारी थे, आप पर जब छेनी हथौड़ी चलती थी तो आप टूट जाते थे, आप कठोर थे। अहंकार में कठोर होता है व्यक्ति, तो आप कठोर थे, तो जब आप पर छेनी हथौड़ी चलती थी तो आप टूट जाते थे, आपने उसे सहन नहीं कर पाया अहंकार में। लेकिन जब हम पर चलती थी तो हमने सहन किया, हमें सहन करना हमने सीख लिया, इसलिए हम मूर्ति बन गए, हम बंदनी बन गए। आपने सब कुछ सीखा लेकिन सहन करना नहीं आया आपको, आप अहंकार में बह गए, अहंकार में टूट गए, इसलिए आप जीने के पत्थर बन गए, निंदनीय बन गए। जिसने सहना सीख लिया प्यारे, जिसे झुकना आ गया, उसे वो परमात्मा का, मेरे ठाकुर का बन गया, सदैव सदैव बन गया। जो अपनी हस्ती को, जो अपनी हस्ती को उसके कदमों में लुटा देते हैं, जो अपनी हस्ती को उसके कदमों में लुटा देते हैं, मेरे श्याम को वो हर तौर तरीके से मना लेते हैं उसके चरणों में। उसे आपका धन नहीं चाहिए प्यारे, उसे आपका तन नहीं चाहिए, उसे तो मेरे ठाकुर को तो केवल आपका मन चाहिए। हम सब कुछ दे देते हैं लेकिन अपना मन उसे नहीं दे पाते। जिस दिन हम मन दे देंगे उसी दिन हम उसके बन जाएंगे, देर नहीं लगेगी। इसलिए मिटना सीखो। जिसने अपने को मिटा दिया वो मूल्यवान बन गया, पत्थर ने मिटाया मूर्ति बन गया, बंदनी बन गए, बूंद ने मिटाया सागर बन गई, वस्त्र ने बनाया मिटाया आभूषण बन गया, मिट्टी ने अपने को मिटाया घड़ा बन गई, सब मूल्यवान बन गए। बोल, मिट्टी को कौन पूछता है, पड़ी। और घड़ा जब बना दिया जाता है तो मूल्यवान बन जाती है, बोलो बन जाती है। जिसने मिटाया। आज ओवेशन एडुकेशन तरफ की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाए और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोचेस ऑन दिस गिवन नंबर। अरे दूध ने अपने को मिटाया तो दूध कितने रुपए किलो है? दूध
₹50 होगा मेरी समझ, दूध ₹50 किलो, और जब वो अपने को मिटा देता है पनीर बन जाता है तो ₹300-400 किलो बिकता है। जिसने अपने को मिटा दिया, मिटाना जिसे आ गया वो मूल्यवान बन गया, ध्यान रखना मूल्यवान बन गया। इसलिए अहंकार जिस समय मिट जाएगा तो श्वान में भी भगवान के दर्शन होने लगेंगे, हर जगह ब्रह्म दिखाई देगा। लेकिन ये होगा कब, जब गुरु की शरण में जाओगे, जब सत्संग की शरण में जाओगे, जब भगवान की कथा की शरण में जाओगे, जब भगवान के दिव्य गुणगान श्रवण करोगे। और गुरु तो एक ऐसी चीज है साहब कि यदि सड़क जैसे सड़ा हुआ, जिस सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भी उसके हाथ में आ जाए ना, तो जैसे शिल्पकार सड़क पर पड़े हुए पत्थर को भी मूर्ति बना देता है, ऐसे गुरु के यदि संसर्ग में जो आ जाता है तो चाहे वो उस सत्संग के सरोवर में वो ऐसी डुबकी लगवाता है कि चाहे कितना बड़ा भी कंस क्यों हो, उस सरोवर से डूब के जब निकलेगा सत्संग के सरोवर से, तो वो हंस बन के निकलेगा प्यारे, हंस बन के निकलेगा। ये सत्संग में ताकत है, ये कथा में ताकत है, सारे कलशों को धो देती है, सारे संतापों को मिटा देती है, सारे पापों का विनाश कर देती है। इसलिए हमें खोजना होगा कि हम कौन हैं। भगवान तो चैलेंज करते हैं कि तुम मेरे हो, लेकिन तुम मेरे ही नहीं बनना चाहते। भगवान कहते हैं मवय वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, ये जीव मेरा ही है, मुझसे अलग होगी। शंकराचार्य जी भगवान तो कहते हैं वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि। चाहे कितने भी कर्म कर डालो, जितने वेद में लिखे हुए हैं, सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लो महाराज, उनका गायन करने लगो, उन्हें कहने लगो, उनका वाचन करने लगो, वेद में बताए हुए सारे विहित कर्मों को कर डालो, सारे देवताओं की पूजा करने लगो, शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा कि आखिर में हम हैं कौन और किस लिए आए, हम कौन हैं और किस लिए आए हैं, जब तक इसका भान नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, कोई फल नहीं। तब तक एक व्यक्ति था महाराज, गणेश भगवान की पूजा कर रहा था, तो गणेश भगवान के सर पर एक चूहा चढ़ गया। उसने देखा कि हम चूहा चढ़ गया गणेश भगवान के सर पर, हम पूजा कर रहे हैं गणेश भगवान की, इसका मतलब चूहा गणेश भगवान से ज्यादा सामर्थ्यवान है, ये उसके सर उनके सर पर चढ़ गया, तो इनकी पूजा करने से क्या फायदा, इनसे तो बलवान चूहा जो इनके सर पर चढ़ गया। अगले दिन से उसने गणेश भगवान की पूजा छोड़ दी और चूहे की पूजा करने लगा। चूहे की पूजा कर रहा था तब तक देखा कि उधर से बिल्ली आई, और जैसे बिल्ली को चूहे ने देखा चूहा भाग गया। उसने कहा इसका मतलब हम गलत पूजा कर रहे थे, चूहे से तो बिल्ली बलवान है, पूजा तो बिल्ली की करनी चाहिए। अगले दिन से बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। बिल्ली की पूजा कर रहा था तब तक देखा कि घर में एक कुत्ता घुस आया, और जैसे ही बिल्ली ने कुत्ते को देखा भाग गई। उसने कहा इसका मतलब हम अब भी गलत पूजा कर रहे हैं, बिल्ली से तो बलवान कुत्ता है। तो अगले दिन उसने कुत्ते की पूजा प्रारंभ कर दी, और कुत्ते की पूजा की महाराज, और पूजा करके जैसी हटा तो कुत्ते की आदत होती है घर में घुसने के बाद इधर उधर जाना, तो कुत्ता रसोई घर में घुस गया, भोजन खुला हुआ रखा था,
कुत्ते ने जूठा कर दिया। तब तक पत्नी ने देख लिया कि इस कुत्ते ने तो हद कर दी, रसोई में घुस गया, इसने भोजन जूठा कर दिया। तो पत्नी ने डंडा उठाया और दो कुत्ते के मारे तो कुत्ता घर से बाहर भाग गया। उसने कहा इसका मतलब हम अब भी गलत पूजा कर रहे हैं, कुत्ते से तो बलवान हमारी पत्नी है, पूजा तो हमें पत्नी की करनी चाहिए। तो अगले दिन उसने पत्नी की पूजा शुरू की। पत्नी की पूजा शुरू की तो पूजा करते समय ही वाद विवाद हो गया। तो जब वाद विवाद हो गया तो गुस्सा आ गई उसे, और गुस्सा जब आ गई तो गुस्से में ध्यान भूल गया, तो उसने एक झापड़ पत्नी के मारा। और जैसे ही झापड़ मारा वैसी ध्यान आया, अरे सबसे बलवान तो हम ही हैं, हम दूसरों की पूजा करने में लगे हुए। कहने का तात्पर्य है मेरा कि आप भी उसी परम परब्रह्म के अंश हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं। वासुदेव वम सर्वम, वासुदेव सर्वम इति, सर्वम इति, हर जगह परमात्मा, हर में परमात्मा, कण कण में परमात्मा। हमारी एक आदत सी हो गई ना, हम सदैव दूसरों की बराबरी करने में लगे हुए, हम वैसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हो पाए। अरे ये दिमाग से निकालो प्यारे, अरे आप वैसे नहीं हैं, ये क्यों सोच रहे हो? अरे ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो भी तो आप जैसे नहीं है, अरे वो भी तो आप जैसे नहीं है ना, और वो नहीं है, आप जैसा कोई भी नहीं है, बोलो है, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, आप अलग है, लेकिन सोच में ही तो फर्क है ना। तो ये सोच कहां से आएगी? ये सोच आएगी सत्संग से, ये सोच आएगी कथा से, गुरु की शरण में। ऐसे ही नैमिषारण्य के परम पवित्र क्षेत्र में विराजमान श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने सूत जी से पूछा, नैमिषे सूतम आशीनम भिवाद महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवी। नैमिषारण्य धाम के परम पवित्र क्षेत्र में, ये कैसे है परम पवित्र? एक बार 88,000 ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमें कोई एक ऐसी जगह बताएं, ऐसा स्थान बताएं जहां हम सब एकत्र होकर के तपस्या कर सकें। जो भूमि सबसे पवित्र हो। भगवान ने अपना चक्र फेंका और कहा, ऋषियों ये पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और जो सबसे पवित्र स्थान होगा वहीं पर यह चक्र गिरेगा। तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद चक्र जो है वो नैमिषारण्य के क्षेत्र में गिरा। नेम कहते हैं चक्र की कोर को। इस जिस स्थान पर गिरा, और चूंकि पहले वो अरण्य था, अरण्य कहते हैं वन को, इसलिए पूरा नाम उसका नैमिषारण्य पड़ गया। जहां 88,000 ऋषियों ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की, मनु शत्रुपा ने वहां घोर तपस्या की नैमिषारण्य धाम में, और वहां ब्रह्म को प्रकट किया और वरदान प्राप्त किया कि अगले वार जो है मैं राम के रूप में अयोध्या में अवतार लूंगा। सूत जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नैमिषारण्य धाम के परम पवित्र क्षेत्र में किया। व्यास जी ने, श्री वेदव्यास महाराज जी ने चार वेदों को, छह शास्त्रों को, अनेक हिंदू धर्म के ग्रंथों को, भागवत इत्यादि ग्रंथों की वहां रचना की।
तरह ऐसे परम पवित्र क्षेत्र में सूत जी महाराज से शौनक जी ने पूछा, प्रभु एक कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय है, कलयुग में ऐसा कौन सा साधन है प्रभु जो भक्तों के क्लेशों को शांत कर सकता है, उनके पापों का विनाश कर सकता है। अच्छा, शौनक जी के विषय में कहा गया है, कथा अमृत रसा स्वाद कुशलह, कथा अमृत रसा स्वाद कुशलह, कथा रूपी अमृत को पीने में जो कुशल है। अच्छा, कुशल कौन है? कुशल जो है वो है जो एक बूंद भी गिरने न दे, वही तो कुशल है ना। कुशल माने प्रवीण, जो एक बूंद भी व्यर्थ न जाने दे। तो सुनते तो सभी थे, सभी श्रोता थे, लेकिन शौनक जी ने क्यों पूछा और शौनक जी के विषय में व्यास जी ने ये क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि शौनक जी इतनी श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करते थे कि कथा की एक बूंद भी, एक शब्द भी, एक बूंद भी उस रस का वो गिरने नहीं देते थे, व्यर्थ नहीं जाने देते थे। कथा अमृत रसा स्वाद कुशलह शौनको अब्रवीत। शौनक जी ने पूछा क्योंकि ऐसा रस है प्यारे, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष द्वारा दिया गया, ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये इतना पका हुआ है, इतना पका हुआ है कि इसमें रस टपक रहा है। और इसमें जो सुखदेव जी भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की इसमें जो मुख लग गया है ना, इससे और मीठा हो गया है। तो हमारे जो शौनक जी हैं इसकी एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं, इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी समर्पण के साथ, इतनी निष्ठा के साथ, भाव के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं। और कहा हमें आप ये बताएं कि कलयुग में कैसे, किस प्रकार जो है भक्तों के तापों का नाश कौन से साधन से हो सकता है, कैसे हो सकता है। शौनक जी ने कहा, प्रभु हम कथा तो सुनते हैं आपकी, बहुत आनंद आता है, लेकिन हम, मुझे बहुत दिन हो गए ना कथा सुनते सुनते, श्रवण करते करते, तो अब मैं चाहता हूं कि आप कथा न सुना करके कथा का सार सुनाने की कृपा करें। सार कौन सा है कथा? तो शौनक जी ने कहा ठीक है, अब मैं जो सुनाऊंगा वो आपको कथा का सार ही सुनाऊंगा, और वो सार सुनाऊंगा जो परम श्रद्धेय गुरुदेव ने हम पर बहुत बड़ी कृपा करने के बाद जो मुझे बताया था, जिससे, जिसके श्रवण मात्र से ही मृत्यु का भय सर्वदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, ए तस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। आज ओवेशन एजुकेशन तरफ की तरफ से आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट स्टडी अब्रॉड। हम सब चाहते हैं कि हम या हमारे बच्चे वहाँ की एजुकेशन लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर पाएं और अपने लिए एक स्टेबल करियर की का चुनाव करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टडी अब्रॉड में हम एक लीडिंग एक्सपर्टीज हैं और हम मल्टीपल कंट्रीज, राइट फ्रॉम 3.5 लाख पैकेज टिल 15 लाख प्रोग्राम हम डील करते हैं। डू अप्रोच अस ऑन दिस गिवन नंबर। शौनक जी, एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। शौनक जी, ये कथा का सार है श्रीमद् भागवत कथा। शौनक जी, श्रीमद् भागवत कथा से अपर, अतिरिक्त, एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, शौनक जी इसके अलावा और कोई संसार में ऐसा साधन नहीं है जो मन को शुद्ध कर सके।
अच्छा मन को शुद्ध करना है ना। यहाँ पर सूत जी ने बताया है शौनक जी को कि शौनक जी हमारे दुख का कारण भी मन, क्लेश का कारण भी मन है, सारा कुछ मन के कारण होता है। तो इसलिए मन यदि गंदा है, मन में यदि कूड़ा करकट भरा हुआ है, मन में यदि कीचड़ है, तो फिर कहीं सुख नहीं मिल सकता, फिर कहीं शांति नहीं मिल सकती। सूत जी ने कहा शौनक जी यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, चैन चाहते हो, तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन को शुद्ध करने का उपाय बोले कथा श्रवण से बढ़कर के, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से बढ़कर के और कोई दुनिया में दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि मन यदि सही है, मन से ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। वायुना नियते मेघ पुनस्ते नैव नियते मनसा कल्पते बंधो मोक्षस्ते नैव कल्पते। शंकराचार्य जी भगवान ने कहा ये मन मालूम कैसे है, मन किसकी तरह है? मन है वायु की तरह, हवा की तरह। जैसे हवा चलने से ही बादल आ जाता है और हवा चलने से ही बादल चला जाता है, तो हवा जैसे चलने से बादल चला जाता है और आ भी जाता है, ऐसे ही मन यदि संसार में लग गया तो ये पतन का कारण, क्लेश का कारण, दुख का कारण बन जाता है। और यही मन यदि परमात्मा में लग गया तो यही आनंद का स्रोत देने वाला हो जाता है, आनंद को प्रदान करने वाला हो जाता है, आत्मकल्याण करने वाला बन जाता है। ये मन मेन स्विच की तरह है। जैसे आपने जब फिटिंग कराते हैं ना आप लाइट की, तो घर के मेन गेट के पास ही एक मेन स्विच आप रखते होंगे, जैसे कोई गड़बड़ हो तो उस मेन स्विच को ऑफ कर दो, सारे घर की लाइट्स खत्म। तो ये मन क्या है? मेन स्विच है। यदि मेन स्विच ऑफ हो जाए तो सारे घर की लाइट खत्म। तो मन यदि हट जाए तो फिर सारा सब कुछ ठीक हो जाए। मन संसार से हट जाए और हट करके परमात्मा में लग जाए तो बस समझ लो कि हमारा कल्याण हो गया। ये तो लगता ही नहीं है। अच्छा संसार क्या है और परमात्मा मार्ग क्या है, शब्द मार्ग क्या है, इसकी सबसे बड़ी, सबसे इसका बड़ा चिन्ह यही है, लक्षण यह है कि बिना लगाए अगर लग जाए, जहां बिना लगाए बिल्कुल न लगाना पड़े, अपने आप जहां लग जाए वो है संसार, और जहां जबरदस्ती लगाना पड़े लगने से भी न लगे वही है परमात्मा मार्ग, वही है सत्संग, वही है कथा श्रवण।